एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ साड़ी हॉल। सो साड़ियाँ आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, इसलिए इस बार मैंने मीशो की साड़ियाँ मंगवाई हैं। इससे पहले भी मैंने मीशो की साड़ी ट्राई की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जो दूसरी वाली वीडियो है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो आप देख लीजिएगा। इस बार वाली जो साड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, और उसमें से एक साड़ी का मैंने ब्लाउज पीस भी सिलवाया है, तो वो मैं आपको अच्छे से सेट करके दिखाऊंगी, और ये बाकी साड़ियाँ जो है वो पहन के दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन सबको जैसा कि मैंने बताया, मैंने लिया है मीशो से। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मीशो ऐप को डाउनलोड करने का, आप आराम से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो कुछ भी चाहे आप परचेस कर सकते हैं। मीशो ऐप एक रिसेलिंग ऐप है, बट इससे आप अपने लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरों के एड्रेस की जगह आपको अपना एड्रेस वहां पुट करना होता है। और अगर आपको अभी भी नहीं पता है डिटेल में कि मीशो क्या है, तो मैं लास्ट में यानी कि वीडियो के लास्ट में क्लिप लगा दूंगी, यानी कि एक छोटा सा वीडियो प्ले कर दूंगी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से मीशो वर्क करता है ये सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीशो के जो है वो लिंक्स नहीं होते प्रोडक्ट्स के, तो मैं जो प्रोडक्ट का कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इन केस अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं खुलता है कोड के बाद भी, यानी कि कोड अगर आप पुट करते हैं उसके बाद भी कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो गए, क्योंकि मीशो पर प्रोडक्ट्स काफी जल्दी स्टॉक आउट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इन केस ये वाला कुर्ता सेट बाय करना चाहते हैं, तो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही प्रिटी कुर्ता सेट है, इसमें आपको तीन कलर्स मिल जाते हैं। ब्लू कलर, ये इस तरह का आप कह सकते हैं गाजरी पिंक कलर, और एक येलो कलर था, तो मेरे पास ब्लू और ये गाजरी पिंक वाला है, येलो कलर मैंने नहीं लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप इस वाले को भी ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो पहली साड़ी है वो कुछ इस तरह की साड़ी है नेट की। तो मुझे नेट की साड़ियाँ काफी पसंद आती हैं, और ये वाली साड़ी जो है वो काफी समय से ट्रेंड में चल रही थी, तो इस बार मुझे ये काफी कम प्राइस पे मीशो पे मिल गई, तो मैंने सोचा कि मैं इसे मंगवा लूं। और इस तरह के जो कलर्स हैं वो काफी अच्छे लगते हैं, चीकू कलर है ये। सो इस साड़ी के और भी कलर्स आपको मीशो पे अवेलेबल हो जाएंगे, बट मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज पीस दिखाया थी, तो ब्लाउज पीस इसकी जो है वो चंदेरी कॉटन टाइप की फैब्रिक आपको मिल जाती है इस तरह की। सो ये ब्लाउज पीस है, इसी तरह का चीकू कलर में आपको ब्लाउज पीस मिल रहा है, और साइड में आपको इस तरह से बीट्स लगाए हुए मिल रहे हैं, जिसे कि आप अपने स्लिप्स पे लगवा सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल लुक आएगा। अब हम बात कर लेते हैं साड़ी की। तो साड़ी स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से प्लेन है बिल्कुल नेट की, और उसके बाद नीचे में यानी कि नीचे से इसके बॉर्डर शुरू होते हैं कुछ इस तरह के। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रंट साड़ी है, बहुत ही अच्छी लगती है। हाफ में वर्क है, हाफ इसका बिल्कुल प्लेन है। सो कुछ इस तरह की साड़ी आपको मिल जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। सो पूरी साड़ी पे इस तरह से आपको वर्क मिल जाता है, रेड कलर के फ्लावर बनाए गए हैं, काफी अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की गई है। सो कुछ इस तरह की है ये। जब साड़ी हाफ हो जाती है उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, तो साड़ी में आपको फुल आंचल से थोड़ा पहले ये कुछ इस तरह की फुल एम्ब्रॉयडरी की हुई मिल जाती है। सो ये ऊपर का पार्ट है साड़ी का, जिसे आप अपने पेटीकोट के अंदर करेंगे, और ये कुछ इस तरह का नीचे में इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल सा आप कह सकते हैं रेड कलर या पिंक कलर का फ्लावर बनाया गया है, जो कि पूरी साड़ी पे कुछ इस तरह का दिखता है। और आंचल की बात करूं तो इसका जो आंचल है वो कुछ इस तरह का है, चारों ही तरफ से इस तरह से बीट्स लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। और इस तरह से इस पे आपको बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, जो आंचल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह की साड़ियां मुझे बहुत अच्छी लगती है, नेट की साड़ी है तो बहुत अच्छा लुक आता है। और सो अगर आपको ये वाला कलर पसंद नहीं है, तो आप दूसरे कलर भी ट्राई कर सकते हैं, मीशो पे आपको बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। साड़ी है वो कुछ इस तरह की रेड कलर की साड़ी है, और ये भी मुझे काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गई थी, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। कुछ इस तरह की साड़ी है, जॉर्जेट की फैब्रिक में है, और काफी सिंपल और आप कह सकते हैं कि बहुत ही एलिगेंट साड़ी है। सो आप कम बजट में अगर कोई साड़ी ढूंढ रहे हैं, तो ये वाली साड़ी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो पहले ब्लाउज पीस शेयर कर लेती हूँ। साइड में आपको ब्लाउज पीस नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग से ब्लाउज पीस मिल रहा है, ये ब्लैक कलर का। तो ब्लाउज पीस की जो फैब्रिक है अगेन चंदेरी कॉटन है, और उसपे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई है गोल्डन कलर के धागे से। सो काफी अच्छा खासा कपड़ा आपको मिल जाता है चंदेरी कॉटन फैब्रिक में, कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। अब साड़ी की बात करूं तो स्टार्टिंग में साड़ी, क्योंकि आप अंदर में इसे लपेटते हैं तो बिल्कुल प्लेन है, फिर अगर आप आगे जाते हैं तो साड़ी पे इस तरह से ये वाली लेयरिंग आपको देखने के लिए मिलती है, काफी अच्छे से लाइनिंग वाली एम्ब्रॉयडरी की गई है। पूरी साड़ी पे आपको बस इस तरह की एम्ब्रॉयडरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि गोल्डन कलर से की हुई है। सो कुछ इस तरह की है, स्पेशल कोई भी बॉर्डर वगैरह आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ इस तरह की ही आपको साड़ी मिल जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, और आंचल भी इसका कुछ इसी तरह का है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। पूरी साड़ी आपको मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह की ही एम्ब्रॉयडरी वाली मिल जाती है। बहुत ही अच्छी साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ी अफोर्डेबल प्राइस में, और इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे। तो अगर आपको अफोर्डेबल साड़ी चाह रहे हैं, तो इस वाले को एक बार आप ट्राई कर सकते हैं।
साड़ी है वो ये रेड कलर की साड़ी है और इसे आप जकार्ड कह सकते हैं, क्योंकि नेट तो नहीं कहिएगा क्योंकि मीशो पे इसे जकार्ड फैब्रिक ही लिखा हुआ था, तो मैं जकार्ड ही बोलूंगी। सो इसमें तो मैंने फ्रेंड्स पहले भी आपको दिखाया था, फॉल वगैरह लगवा लिया है, तो इसलिए मैं आज आपको इसे पहन के ब्लाउज पीस के साथ दिखाऊंगी। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है मीशो पे, सो आप चाहें तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, पूरी साड़ी में कुछ भी अंतर नहीं है, यानी कि कोई आंचल वगैरह स्पेसिफिक तो आपको नहीं मिल रहा, बट साड़ी कुछ इस तरह की है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जकार्ड फैब्रिक में साड़ी आपको मिल जाती है कुछ इस तरह की। हाफ साड़ी बिल्कुल प्लेन है, उसके बाद आपको साड़ी पे इस तरह से बीड्स का वर्क हाफ में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे पूरी साड़ी पे आपको हाफ में बीड्स का वर्क मिल रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, और जैसे ही आप बढ़ते हैं यानी कि आंचल की तरफ जाते हैं तो बीड्स का जो वर्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और ये है इसका आंचल जिसमें पूरे पे इस तरह से बीड्स वाला वर्क देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी लगती है मुझे, और इसी फैब्रिक में आपको ब्लाउज पीस यानी कि इसका अटैच मिलता है, जिसे कि मैंने कटवा लिया और अब मैं पहन के दिखाऊंगी। इस वाली साड़ी में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, और जो मैंने प्रोडक्ट कोड दिया है अगर वो वाला नहीं चलता है, स्टॉक आउट हो जाता है, तो आप एक बार सर्च करिएगा, आपको बहुत सारी जगहों पर यानी कि मीशो पे ही बहुत सारे प्रोडक्ट कोड के साथ ये वाली साड़ी अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसमें मेरे पास 2-3 कलर्स और हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरे हॉल में आपको दिखाऊंगी। जो लास्ट जो साड़ी है वो कुछ इस तरह की है, पिंक कलर की। सो इसमें मैंने दूसरा कलर ऑलरेडी मंगवाया हुआ था, तो मैंने ये नेक्स्ट कलर मंगवाया पिंक कलर की, क्योंकि मुझे ये साड़ी भी काफी अच्छी लगी। सो ये सिल्क टाइप की फैब्रिक में है, पेपर सिल्क जिस तरह का आता है उस तरह की फैब्रिक में है। पूरी साड़ी तो बिल्कुल प्लेन है, बट चारों तरफ से आपको ये वाला बॉर्डर मिल जाता है, ये गोल्डन कलर का। डिटेल में मैं आपको दिखाती हूँ, बट समझ तो आप गए ही होंगे। सो फ्रेंड्स आंचल से स्टार्ट करते हैं, जो इसका आंचल है वो भी बिल्कुल प्लेन है, बट चारों तरफ से ही इसमें आपको इस तरह से ये वाला वर्क किया हुआ मिल जाता है, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह से पूरी साड़ी पे आपको बॉर्डर का वर्क मिलता है, जो कि ऊपर में भी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नीचे में भी मिल रहा है। नीचे में फ्रेंड्स कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है यहाँ पे, और ये इस तरह का इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ऊपर वाला को नीचे बता दिया, तो ये ऊपर का पार्ट है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये जो आंचल मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, आंचल में तो आपको पूरे पे मिल जाएगा इस तरह से, बट उसके बाद आपको ऊपर में बॉर्डर नहीं मिलता है, सिर्फ नीचे में इस तरह से आपको बॉर्डर मिल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का मिल जाता है, जो कि साड़ी को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है, बहुत ही एलिगेंट है, और उसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे फ्रेंड्स, बट मैंने ये वाला कलर लिया, और एक मेरे पास ऑरेंज ऑलरेडी है। सो कुछ इस तरह का है ये, आई होप ये साड़ी आपको अच्छी लग रही होगी। उसे आप आराम से स्टिच करवा सकते हैं, काफी अच्छा इसका जकार्ड का आप कह सकते हैं कॉटन सिल्क वाली फैब्रिक है ब्लाउज पीस की, तो आप आराम से स्टिच करवा सकते हैं, और इसमें बॉर्डर पे लगाने के लिए कोई भी गोटा या फिर वो बॉर्डर वगैरह नहीं मिल रहा है अलग से। सो ब्लाउज जो है इसका वो प्लेन ही रहेगा। आई होप कि ये साड़ियाँ आपको अच्छी लगी होंगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मीशो ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इन सब का प्रोडक्ट कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने नहीं समझा है कि मीशो कैसे वर्क करता है, तो अब मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा रही हूँ, वो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीशो किस तरह से वर्क करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से मीशो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद पेज जो है कुछ इस तरह का खुलेगा, तो आप अपना अकाउंट तो बना ही लीजिएगा। अकाउंट में जाकर इस तरह से आराम से अपना अकाउंट आप बना लीजिएगा, कुछ भी आपको नंबर, ईमेल आईडी ये सब देने होते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं पर भी सर्च करते हैं, कुर्तीज़ वगैरह सर्च करते हैं, या वहाँ ऑप्शन आ जाता है, तो इस तरह से मान लीजिए आपने एक कुर्ती देख ली, आपको अच्छी लग गई, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसे ऐड टू कार्ट करना है, या फिर आप अपने व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ ऐड टू कार्ट भी और शेयर नाव भी है, तो किसी को सेल करना है तो आप शेयर नाव कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आप शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने लिए बाई करना है या किसी और ने आपको ऑर्डर करने के लिए कह दिया, यानी कि अगर आप रीसेलिंग कर रहे हैं तो ऐड टू कार्ट कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं आप, कैश का, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट, जो कुछ भी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 489 रुपीज़ इसकी प्राइस हो गई है, तो अब आपको कितना कलेक्ट करना है ये कैश जब जाके ये डिलीवर्ड होगा, वो आपको यहाँ पुट करना है। जैसे कि अगर आप रीसेलिंग कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपकी मार्जिन है वो ऐड करके कितना पुट करना है ये आपको देखना है, और अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो 489 की जगह आप 489 ही लिखिए। बट अगर आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा 5-10 ज़्यादा कमाने हैं, 100-150 ज़्यादा कमाने हैं, जो कि होता है इसमें रीसेलिंग में, तो आप उतना अमाउंट वहाँ लिख दीजिएगा, तो बाकी का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो इस तरह से आराम से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप पे, इन सब पे आप शेयर कर सकते हैं और आराम से बाय कर सकते हैं चेकआउट करके, और एड्रेस आप अपना या किसी का दे। सो फ्रेंड्स आप एवरटीन के पैंटी लाइनर को ट्राई कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही हेल्पफुल है, ये आपको इंटायर डे फ्रेश रखता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट डिस्चार्ज को, इन बिटवीन पीरियड्स या फिर लाइट डिस्चार्ज में आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।